खबर बलिया से, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का फिर विवादित बयान, भगवान बनाम इस्लाम पर होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान पर होगा चुनाव, ये कहना है सुरेंद्र सिंह का। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया। तो हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान पर चुनाव होगा, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव भगवान बनाम इस्लाम पर होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव दरअसल हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान पर होने वाले। तो बीजेपी विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान बनाम इस्लाम पर 2019 के ये चुनाव होने वाले हैं, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान पर 2019 का लोकसभा चुनाव होगा। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव इस बार भगवान बनाम इस्लाम होगा। ये हम अनुभव करें कि आप लोग भगवान न करें, युद्ध भूमि में ताल ठोकने की जरूरत है। इसलिए यहाँ हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो के हत्या के विरोध में 2019 का चुनाव पाकिस्तान बनाम भारत होने जा रहा है, 2019 का चुनाव इस्लाम बनाम भगवान होने जा रहा है, इस्लाम बनाम भगवान होने जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के लोगों, पूज्य लोगों, निर्णय कर लेना कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। निर्णय कर लेना, बेईमान जीतेगा कि मोदी का ईमान जीतेगा। निर्णय दो में होना है, भारत का ईमान लड़ेगा और इस्लाम परस्त लोगों का बेईमान लड़ेगा। एक तरफ भारत की राष्ट्रभक्ति लड़ेगी, दूसरे तरफ भारत को बांटने वाली विभक्ति लड़ेगी। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि भारत की जनता भारत में भगवान के साथ होगी कि इस्लाम के साथ।